का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में व्रत का ख्याल आ जाता है, क्योंकि अभी तक हमें इतना ही पता है कि हम सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत में ही कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं तो ऐसा नहीं है। आपको बताएं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर रखने के लिए किया जाता है। बात करें सेंधा नमक में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में तो आपको बता देते हैं, सेंधा नमक में फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, सेलेनियम, तांबा, ब्रोमीन और आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के लिए कई मायनों से फायदेमंद होती है। अगर आप इसे खाने में मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी मसल्स अच्छी होगी। ये आपके शरीर के लिए किसी सप्लीमेंट से कम नहीं है। इसमें कई सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो एक बेहतरीन पाचन में मदद करते हैं। इसे खाने से पेट की परेशानियां दूर होती हैं, इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है, ये साइनस की परेशानियों से भी आपको राहत दिलाता है। इसके साथ ही सेंधा नमक से गरारे करने से गले में सूजन, दर्द, सूखी खांसी और टॉन्सिल से राहत मिलती है। जिन लोगों को दमा या सांस लेने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उन्हें सेंधा नमक के इस्तेमाल से बहुत फायदा मिलता है। इसके लिए उनको सेंधा नमक की भाप लेनी चाहिए। पैरों से गंदगी और बदबू खत्म करने के लिए भी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप पैरों के स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आधी बाल्टी गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं और उसमें अपने पैर डालकर रखें। तो आपने देखा ना, सेंधा नमक को आप और भी बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।